नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आइए देखते हैं जुबैर खान की खास रिपोर्ट। पीड़ित महिला संध्या ने कहा, अगर न्याय नहीं मिला तो प्रधानमंत्री आगमन के कर लूंगी आत्महत्या। बेदनु थाना क्षेत्र के कार्य कुछ भी कर डालो पर थाना प्रभारी की झोली भर डालो। मामला है थाना कानपुर नगर के बेदनु का। किस तरह से जान से मारने की पूरी कोशिश करने वाले गैंगस्टर अपराधी भवानी यादव कानपुर थाना बेदनु क्षेत्र की रहने वाली संध्या यादव पत्नी जितेंद्र यादव निवासी ग्राम सतबरी थाना बेदनु को निवासिनी है। प्रार्थनी का पति दूध खरीदने व बेचने का कार्यकर्ता है। पड़ोस के रहने वाली भवानी यादव पुत्र राहुल यादव पिंटू उर्फ कुली मंजीत पुत्र गंगा चरण कुलई कैलाश लोगों ने मेरे पति जितेंद्र यादव को सरिया के राड ईट पत्थर से मेरे पति के सर पर वार किया, जिससे कि मेरे पति लहूलुहान होकर जमीन पर बेहोश होकर गिर गए और पति को मरण अवस्था में मेरे दरवाजे पर फेंक कर चले गए और धमकी दी, अगर कहीं शिकायत की तो पति को जान से मार देंगे और पति से हाथ धोना पड़ेगा। इस घटना को देखा व सुना पति की हालत को गंभीर देखते हुए मैंने अपने पति को कुमार अस्पताल में भर्ती कराया। अकेले होने के कारण मैं अपने पति के साथ अस्पताल में रही, जिसके कारण मैं समय से थाने में प्रार्थना पत्र अभियुक्त के विरुद्ध नहीं दे सकी। मैंने इस घटना के लिखित सूचना पीड़ित महिला को शासन प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा इंसाफ।